हे देवी भवानी, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ? आप सारे देवगण अपने परिवार सहित इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे देवी भगवती, देवी काली और रक्त बीज के बीच भीषण संग्राम चल रहा है, और रक्त बीज के रक्त से इतने बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं कि यदि उन्हें रोका ना गया देवी, तो इस सारे संसार में रक्त बीज ही रक्त बीज होंगे। आप चिंता ना कीजिए, संहार के आवेश में कदाचित देवी काली को इसकी सुध ही नहीं होगी। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं स्वयं वहां जा रही हूं। के इस प्रकार तो ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। मैं इनका वध करना आरंभ करती हूं, आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए, इनका रक्त धरती पर ना गिरे तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम, मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। रक्त बीज तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, पर ध्यान रहे रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए, ऐसा ही होगा। ओ
के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। निशुम्भ, आज दानव लोक में सबसे बड़ा शोक का दिन है। जिस दानव श्रेष्ठ ने हमें इस स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस महावीर की मृत्यु का हमें शोक नहीं करना है, हमें अश्रु नहीं बहाने हैं, हमें तो उस शत्रु का रक्त बहाना है। और हमारे शत्रु है वो जिसे हमने एक अबला समझा, एक साधारण स्त्री समझा, एक ऐसी स्त्री जिससे हमने विवाह की इच्छा की, किंतु ऐसी स्त्री से विवाह जिसने पिता तुल्य रक्त बीज का वध कर दिया। उस स्त्री को मार डालिए, उस स्त्री का वध कीजिए, उस स्त्री को समाप्त कर दीजिए। उस स्त्री का वध मैं करूंगा, और वो भी अपने इन हाथों से करूंगा। तब दानव वीर धूम्रलोचन, महावीर चंड और मुंड, और दानव श्रेष्ठ रक्त बीज की आत्मा को शांति मिलेगी। किंतु अनुज, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उस स्त्री का वरण करने की इच्छा तुमने अपने मन में की है। यदि तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति ना हुई
तो वो स्त्री तुम्हारा काल बन सकती है। उस स्त्री को मैं अपना काल नहीं बनने दूंगा भ्राताश्री, उसे सर्वप्रथम मैं पराजित करूंगा। उसे इस दानव लोक की महारानी बनाऊंगा। मुझे सौगंध है इस दानव समाज की। इस स्थान पर जहां दानव श्रेष्ठ रक्त बीज का शव रखा है, इसी स्थान पर मैं आप सबके बीच उसका वध करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा के वर से मेरी रक्षा होगी और वो स्त्री भी समाप्त हो जाएगी। भ्राता निशुम, मैं आपसे और समस्त दानव वीरों से एक विनती करना चाहता हूं कि उस स्त्री के वध के पश्चात ही हम दानव श्रेष्ठ रक्त बीज को अंतिम विदाई देंगे। हमें जिताए, हमें जिताए, हमें जिताए। तो ठीक है, दानव सम्राट आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं उस स्त्री को परास्त करके कुछ ही क्षणों में यहां लौट आऊंगा। नहीं भ्राताश्री, नहीं, इस बार मैं उस स्त्री को कोई भी ऐसा अवसर नहीं दूंगा। हम दोनों सेना के साथ चलेंगे और शीघ्र अति शीघ्र उसे पराजित करेंगे। ठीक है दानव सम्राट, मैं सेना को चलने का आदेश देता हूं। हे दानव श्रेष्ठ, हमें विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। दानव सम्राट शुम की, दानव सम्राट निशुम की, दानव सम्राट शुम की, दानव सम्राट निशुम की, दानव सम्राट शुम की। मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। मुझे दानव मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे दानव मुंड दो। जगदम्बा, आपका रुद्र रूप काली तो इतना भयानक हो गया है कि उसने दानवों में त्राही त्राही मचा दी है। मैं बहुत चिंतित हूं। जगदम्बा स्वरूपा दुर्गा भी चिंतित, ऐसा क्यों? हे भवानी, अति शीघ्र यदि कालिका को दानव मुंड ना मिले तो उन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। हे महादेवी, इसकी व्यवस्था तो स्वयं शुंभ और निशुंभ दोनों ने ही कर दी है। शुंभ आपको स्त्री कहता है, अबला समझता है, किंतु वो नहीं जानता कि आपका अवतार ही सारे संसार को ये बताने के लिए हुआ है कि स्त्री अबला नहीं होती, उसमें करुणा होती है, उसमें ममता होती है, उसमें दया होती है, और इसीलिए वो सहन शक्ति की सीमा तक पुरुष वर्ग के सारे अत्याचारों को क्षमा कर देती है। किंतु यदि कोई महिषासुर बने, चंड मुंड और रक्त बीज बने, शुंभ निशुंभ बनकर नारी शक्ति को ललकारे, तो नारी दुर्गा है, नारी भवानी है, नारी महाकाली है, मां शक्ति है। आ रही है, मुंडों की एक बहुत लंबी माला आ रही है। इतना अधिक रक्तपात होने वाला है कि लगता है इस बार दानवों का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा।
दानव सम्राट, कहिए सेनापति, आप उस स्त्री को देख रहे हैं? हाँ, किंतु ये वो नहीं है जिसे ढूंढने मैं यहां आया हूं। आपने सत्य कहा, ये वो स्त्री है जिसे उस स्त्री ने भेजा है। ये वो स्त्री है जिसने दानवीर चंड मुंड का वध किया। ये वो स्त्री है जिसने दानव श्रेष्ठ रक्त बीज की हत्या की।